इंजीनियर पहले दुल्हन की तरह सजी, फिर अचानक साध्वी बन सबको कर दिया हैरान। हरियाणा की 22 साल की एक लड़की ने दुनिया के सारे सुख और मोह माया त्याग कर वैराग्य की राह पकड़ ली। सिमरन जैन भागवत नाम की लड़की ने सांसारिक मोह को छोड़कर इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों लोगों के सामने दीक्षा लेकर साध्वी श्री गौतमी जी बन गई। आपको बता दें कि सिमरन ने BSc कंप्यूटर साइंस से किया है। उनके घर में माता पिता, एक बहन और दो भाई हैं। बहन मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। दीक्षा के बाद सिमरन के पिता अशोक गौड़ ने कहा कि हमारी ओर से बेटियों को अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन जीने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद करियर बनाएंगे या शादी करेंगे, लेकिन सिमरन की इच्छा दीक्षा लेने की ही थी। दीक्षा से पहले सिमरन लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही थी। दीक्षा लेने से पहले उन्होंने अंतिम बार मनपसंद खाना खाया। दीक्षा लेकर साध्वी बनने के बाद उनका स्वयं का सफर शुरू हो गया है। दीक्षा लेने के बाद साध्वी गौतमी ने कहा कि वैराग्य की राह मुश्किल है। मैं दुनिया भर घूम चुकी हूँ लेकिन सुकून नहीं मिला। फिर जब मैं गुरुजनों के सानिध्य में आई तब जाकर असली सुख की प्राप्ति हुई। मुझे चक्का चौंध भरी यह लाइफ रास नहीं आई, इसलिए मैंने वैराग्य लिया।